हाँ जी, यहाँ से अभी निकल रहे हैं जी हम कपाडोसिया से, और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जी ए कोनिया, मौलाना रूमी के दरबार में चला दिखेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, हम अभी निकले हैं यहाँ से कपाडोसिया से और जा रहे हैं कोनिया, तो रास्ते में ये एक पिक्चर पॉइंट था वीडियो, तो मैंने कार से लेके आपके साथ शेयर करता हूँ। एक लंबे सफ़र के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं कोनिया, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मस्जिद बनी हुई है, जामिया मस्जिद है कोनिया की, और इस साइड पे ये जो है ना मज़ार है मौलाना रूमी साहब का। तो पहले चलते हैं नमाज अदा कर लेते हैं, और नमाज अदा करने के बाद फिर चलते हैं मज़ार की तरफ। ये मस्जिद का बाहर का आता है, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है बाहर से बनी हुई है, तो चलते हैं अंदर। यहाँ से आपने एंटर करना है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद के दो पार्ट हैं, ये जो हिस्सा है इसमें इतने माता के रात में नमाज पढ़ते हैं, और औरतों के लिए इन्होंने ये उस साइड पे अलग एक जगह बनाई हुई है। जी, हम नमाज़ पढ़ के अभी जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह के मज़ार की तरफ आए, तो आप मेरे पीछे इसको देख सकते हैं, और ये यहाँ से इसकी मेन जो है ना एंट्रेंस है। जी फ्रेंड, मैं इस टाइम खड़ा हूँ जी मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार के हाथे में, और इस साइड पे इसकी एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर आए हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो असली नाम था वो था जी मौलाना जलालुद्दीन कलबी, जो कि कलब में पैदा हुए थे, वहाँ के रहने वाले थे जो इस टाइम जो है ना अफगानिस्तान में। मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक मशहूर फारसी के शायर थे, और उनका जो कलाम है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ुबानों में को ट्रांसलेट किया गया है, जो बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते थे, जिनमें हमारे अल्लामा इक़बाल भी सरफ़हरिस्त हैं। तो चलें अंदर मज़ार की तरफ चलते हैं, और कब्र की ज़्यारत करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कोनिया का एक लोगो भी इन्होंने बना के दे रखा हुआ है। हाँ जी, हम बिल्कुल मज़ार के अंदर आ गए हैं, जो मेन गेट आपको दिखाया, और ये मेरे पीछे एक कब्रस्तान सा बना हुआ है, जो बाकी उलमा थे यानी के जो फैमिली या ख़ानदान में और जो उनके मरीद थे उनकी कब्रें यहाँ पे हैं, और इसके साथ इसके अलावा यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ
इसके बारे में देखें, इधर लिखा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान मिली से दुस्तानजू, जो तुर्की में लिखा हुआ है और नीचे लिखा है मोहम्मद इकबाल, और इधर इन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। जो हमारे शायर थे अलामा मोहम्मद इकबाल, ये उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के कौमी शायर और अजीम मुफ़क्कर अलामा मोहम्मद इकबाल को इनकी रूहानी पेशवा और मुर्शिद हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हुज़ूर में जगह दी गई। ये 1963 में हुआ था, क्योंकि अलामा इकबाल आपको पता है कि एक बहुत बड़े शायर थे, और मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो हैं वो एक बहुत बड़े फारसी के शायर थे, और जो हमारे कौमी शायर हैं अलामा इकबाल साहब, वो उनको अपनी रूहानी पीर मानते थे। तो इस वजह से उन्होंने ये एक बिल्कुल द चार्ट भी लगा हुआ है जिसके ऊपर हमारी ज़बान में भी लिखा हुआ है और उनकी ज़बान में भी लिखा हुआ है। तो चलें चलते हैं अंदर, मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये मज़ीद कब्रें हैं इधर, इनमें से भी कुछ उनके उलमा हैं, कुछ खानदान हैं और कुछ उनके मरीद हैं। यहाँ इतना पुरसकून माहौल है कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई रश नहीं है। अभी अजान हुई है थोड़ी देर पहले, तो इतनी प्यारी आवाज़ थी कि हर तरफ अजान की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा ही फील हो रहा था दिल दिल में कि हम पता नहीं कहाँ बैठे हैं और किस जगह आए हैं। एक बहुत अच्छी फीलिंग है। तो अगर आप भी यहाँ आएँ तो मौलाना रूमी के मज़ार पर ज़रूर हाज़िरी दें। और ये बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, स्नोफॉल हुई है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा। ये जितना एरिया है आप चेक कर लें, बगैर परिंदों की आवाज़ के और यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये भी कब्रें हैं, उनके कुछ खानदानी कब्रें हो सकती हैं, और इधर ये कुछ लिखा भी हुआ है तुर्कीश में। ये इस साइड पे सारे रूम बने हुए हैं, और ये इनका एक वुज़ू खाना है ट्रेडिशनल, जो इनका वुज़ू खाना है, तो हम देख सकते हैं। इस साइड पे भी कब्रें हैं। तो ये मेरे पीछे या हज़रत मौलाना, तो चलते हैं अंदर। वैसे ये पीछे तकरीबन बंद है, ये कोरोना की वजह से इन्होंने काफ़ी इसको बंद रखा है, थोड़ा टाइम हुआ है इनको ओपन हुए। तो चलें चलते हैं अंदर। अभी हमने अंदर जाना है, लेकिन हम अंदर ऐसे शूज़ पहन के नहीं जा सकते, और इन्होंने बाहर ऐसे चापर वगैरह रखे हैं कि हमने जो शूज़ों पे लगाने और फिर अंदर जाना है, ताकि जो पाँव के साथ हमारा धूड़ है या मिट्टी है वो अंदर ना, ये पहन कर अंदर जाएँगे ताकि जो मिट्टी है वो हमारे पाँव के साथ ना अंदर ना जाए और अंदर का फर्श खराब ना करें। ये जैसे एंट्रेंस है, और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ही खामोशी है ना। चलो अंदर चलते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, तो दुआ कर लेते हैं।
और ये मौलाना रूमी की कब्र के साथ और भी कब्रें हैं जो उस टाइम के सूफ़ी इकराम थे, तो इनकी पगड़ियों से आप एक रूहानियत की फीलिंग आपको ज़रूर महसूस होती होगी। और बेशक आपने अर्तुगरुल ड्रामे उस्मान में देखा होगा कि जब वो काजी उस टाइम के फैसला करते थे तो सेम ऐसी पगड़ी जो है वो यूज़ करते थे। और इन्होंने ये थोड़ा सा आस्ता आस्ता बिल्कुल म्यूजिक लगाया हुआ है जो आपके अंदर जैसे ना फीलिंग पैदा करता है। मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन सच बताऊँ तो मुझसे भी बोलने नहीं जा रहा। ये कुरान पाक के नुस्खे इधर पड़े हैं, तकरीबन पूरा कुरान पाक ही है। और ये आप देख सकते हैं 1353 और ये 1367। ये जो मौलाना रूमी साहब यूज़ करते थे और ये उनका कुर्ता है। और ये गुलाब है खाने काबे का। जिन्होंने हर चीज़ ऐसे महफूज की हुई है, यहाँ पे कुरान पाक रख के कुरान पाक की तलावत किया करते थे। और ये है कैप जो वो यूज़ करते थे, ये भी 13th century में। ये आप देख सकते हैं ऑटोमन एम्पायर 16th century कुरान पाक जो उस टाइम का है उन्होंने कैसे महफूज किया हुआ है। ये 15th century है और ये इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है दौरे उस्मानी। ये जो कुरान पाक है ये भी दौरे उस्मानी का है, 1672 ईयर। और इसको जिसने लिखा है उसका नाम है इस्माइल बिन अली। और ये एक और है ये 67 ईयर और ये भी दौरे उस्मानी है। ये जो कुरान पाक का नुस्खा है ये 1314 का। और ये एक एल्बम बना हुआ है जो दौरे उस्मानी था उसमें जितने भी सुल्तान आए ये उनके एक पिक्चर एल्बम बनाया गया है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे आला नबी हैं, बेशक हमारा ईमान आखिरी नबी हैं। यहाँ पे इन्होंने उनकी दाढ़ी शरीफ के बाल जो है ना महफूज किए हुए हैं।
हाँ जी, हम यहाँ से बाहर आ गए। मैं आपके साथ ये फीलिंग नहीं शेयर कर सकता। आपने देखा है कि मैंने अंदर जितनी वीडियो बनाई है उसमें मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं थी निकल रही, कि मैं कैसे अंदर एक ऊंची आवाज़ से बोल सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं खुद ही नहीं चाह रहा था, ये अचानक ही खुद बाखुद मेरे जिस्म में ऐसा हो रहा था कि मैं अंदर ऊँचा नहीं बोल पा रहा था। तो आपने देखा इन्होंने कैसे कदीम नुस्खे जो हैं कुरान पाक, इन्होंने किस तरह महफूज किए हुए हैं, और उन्होंने साथ साथ डेटें दी हुई हैं, और आत्मन पैर के जितने सुल्तान हैं उसका भी कलमों ने, और सबसे जो बड़ी बात है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दाढ़ी शरीफ के बाल भी इन्होंने महफूज करके रखे हुए हैं। तो आप तुर्की आएँ तो यहाँ का लाजमी विज़िट करें, हर हाल में विज़िट करें, और आपको यहाँ एक दिली सुकून मिलेगा और आपको ज़रूर खुशी होगी। जी फ्रेंड, ये थी जी आज की मेरी वीडियो। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये मज़ार है जहाँ मैंने हाज़री दी है। पहले मस्जिद गया हूँ, नमाज़ पढ़ी है, फिर यहाँ के हाज़री दी है। कोशिश की है कि अंदर का व्यू आपको सारा दिखा सकूँ। उनकी कब्र पे दुआ की है, और उसके अलावा जैसे आपने सारा देखा है कुरान पाक, तो नहीं बता सकता यार कि कैसी फीलिंग है। तो लाजमी यहाँ विज़िट करें, और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देख के आपके दिल में भी एक दफ़ा तो ज़रूर ऐसे ख्याल आए होंगे जो दिल को सुकून देते हैं। तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका आज की मेरी वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, और मौलाना रूमी के बारे में मैं जितना जानता था या जो थोड़ा बहुत स्टडी किया था, जो मेरे जो कुछ भी नहीं है, तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। तो लाजमी ये बताएं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आए वो आप तक पहुंच सके। ये रेस्टोरेंट है, अभी इधर खाना खाएंगे। निजेश कोनिया सफारसी, ये इसका बाहर है, बाहर बैठ के खा सकते हो। रेस्टोरेंट के अंदर से जहाँ हम अभी खाना खाने आए हैं, ये इनका मेन्यू है, और इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ का जो मशहूर है वो कोनिया कबाब है। तो मैंने एक ही ऑर्डर किया है, ये इसकी प्लेट्स बनी हुई है। चीज कोफ्ते हैं, उर्फा कोफ्ते हैं, अदाना कबाब है। और मैंने ये सूप किया है, ये भी इनका स्पेशल है, तो मैंने कहा चलो टेस्ट करो। और ये चिकन सूप, और एक मैंने किया ये सिकंदरिया कबाब, इसके बारे में बहुत सुना है, तो इसके ट्राई करते हैं। ये भी हमें सैलड दे गए हैं, ये दही है, और इसके साथ ये खीरा है, और ये कोई मिक्स चटनी वगैरह है, और ये मुझे चिकंदर की तरह लग रहा है, लेकिन चिकंदर का रंग मरून होता है, और इसका पिंक है। मज़े का जाका है। और ये सूप है जो उन्होंने मुझे बोला है कि ये कोनिया का स्पेशल सूप है, तो उसको भी ट्राई करते हैं। ये क्या चीज़ है पता तो नहीं, तो ट्राई करते हैं। माशाल्लाह जी बेहतरीन है, बहुत ही मज़ेदार है। ये भी नान चेक करें, तो इसके साथ मैं ट्राई करता हूँ। बेहतरीन है माशाल्लाह, जैसा कि सुना था कोनिया खाने के बारे में और सूप के बारे में जैसा इन्होंने बताया, वैसे ही बहुत क्लास का है। यह है जी हमारा सिकंदरिया कबाब है, और ये जो यहाँ का इनका मशहूर कबाब है वो है। तो ये गोश्त है, इन्होंने हल्का सा ऊपर ये टमाटर डाला हुआ है, इसका पेस्ट बना के, और ये इधर भी टमाटर है, ये मिर्च है, और ये दही है।
ट्राई करते हैं। इसके साथ भी एक नान वगैरह बना है, उसके अंदर में आई थिंक चीज़ लगा है, बिल्कुल ये चीज़ के साथ बना है, माशाल्लाह बहुत आला है। एक बात देखिए कि इनके खाने कोई हैवी खाना नहीं है, तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। दोबारी ट्राई करूँगा। और ये इन्होंने नान दिया, इसके नीचे भी नान है और ये इसके ऊपर एक गोश्त है, तो ये लैम का गोश्त है, ठीक है, तो ज़बरदस्त बना हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई मिर्च नहीं है, कोई मसाला नहीं है, नॉर्मल जस्ट पका हुआ है, बेहतरीन है यार, इनके खाने के पीछे बस है। ये बिल्कुल मौलाना रूमी मज़ार के बाद ये एक बाज़ार बना हुआ है, इसके बिल्कुल एंड पे आगे सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ से सूखा है क्राम का, आपने वीडियो देखी होगी, तो उन्होंने इधर बनाया हुआ है।